दोस्तों, ये होली का त्यौहार आपको और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। अच्छे से होली खेलिएगा, पूरा फुल एंजॉय करिएगा। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न जो बना है उसकी हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने महिला T20 विश्व कप जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया था उस खिताब को जीत लिया है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इसका राइट आंसर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन उसे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हार का सामना करना पड़ा। तो यहां पर एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर यह विश्व कप जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर, ऑप्शन नंबर, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर पूरी टीम का फोटो देख सकते हैं इस रोमांचक मैच में, किस तरीके से पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि इस पूरे टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन घोषित करी गई हैं। तो वो बनी है बेथ मूनी। बेथ मूनी नाम की एक प्लेयर हैं जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिसका मतलब होता है पूरे इस टूर्नामेंट के दौरान में सबसे अच्छा खेल खेलने वाली बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। इसी प्रकार से प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है, तो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है एलिसा हेली को। एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। एक चीज और यहां पर समझेंगे कि ICC महिला T20 विश्व कप जो है इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा? 7th edition इसका इस बार आयोजित किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार, यानी कि 5 बार ये महिला T20 विश्व कप खिताब को जीत चुके हैं। भारत के पास में अच्छा मौका था लेकिन फाइनल में हार की वजह से भारत इस मुकाम को नहीं जीत पाया। दोस्तों, आपको बता दूं, आज हमारे ऑफर का आखिरी दिन है। होली के अवसर पर वर्ष 2019 का जो पूरा PDF है, यानी कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक का जो पूरा करंट अफेयर्स का PDF है, उस पर एक डिस्काउंट लगाया था जिसमें कि आपको ये जो पूरे साल का 600 रुपये का करंट अफेयर्स है ये मात्र 250 रुपये में आपको दिया जा रहा है। उसका आज आखिरी दिन है। जो लोग भी लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। पिछले दो दिनों में लगभग 6500 लोगों ने इस करंट अफेयर्स को परचेज किया है। आप लोग भी इसे लेना चाहते हैं क्योंकि होली के बाद में, यानी कि कल से, ये करंट अफेयर्स आपको इतने ऑफर पर नहीं मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बना है कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीलंका देश जो है ये 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर इसका फोटो देख सकते हैं, बिम्स्टेक जो होता है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो बिम्स्टेक में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में ये इसका फोटो भी देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये इसमें सारे देश आते हैं। और जो 5वें नंबर का इसका जो शिखर सम्मेलन है वो इन्हीं देशों में से एक श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, चूँकि श्रीलंका के बारे में बात हुई है, अभी कुछ दिनों पहले SSC का एग्ज़ाम जो चल रहा था, SSC CGL का एग्ज़ाम, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी श्रीलंका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम है गोबतया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, वहाँ की मुद्रा कौन सी है, वहाँ की मुद्रा है श्रीलंका का रुपया, ये वहाँ की मुद्रा है। दोस्तों, जितनी डिटेल के साथ में हमारा करंट अफेयर्स चलता है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और शेयर भी किया करो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेनिस सिग्मल
डेनिस सिमगल को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में यूक्रेन एक देश है, उसमें डेनिस डेनिस सिमगल को उस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ में अभी हाल ही में मलेशिया के भी नए पीएम बनाए गए हैं, उनका नाम मैंने आपको बताया था, वो आप लोग जल्दी से जिसको याद हो वो कमेंट करके बताएगा। तो यहाँ पर यूक्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेमिस सिमगल का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको यूक्रेन यूक्रेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 500 T20 मैच, 500 T20, ठीक है, तो 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए, किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के से क्रिकेट टीम से बिलोंग करने वाले किरोन पोलार्ड जो हैं, ये 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो कैरन पोलार्ड हैं, ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिंद महासागर आयोग, ठीक है, इसका एक फोटो दिखा देते हैं सबसे पहले आपको। इंडियन ओशियन कमीशन इसको बोलते हैं। तो ये जो हिंद महासागर आयोग है, इंडियन ओशियन कमीशन, उस पर प्रश्न क्या बना है कि हाल ही में किस देश को हिंद महासागर आयोग में पांचवें पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर के रूप में शामिल किया गया है? मतलब भारत को इसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं बनाया गया है, इसमें एक सुपरवाइजर की भूमिका भारत को दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत को हाल ही में हिंद महासागर आयोग में पांचवें यानी कि फिफ्थ सुपरवाइजर के रूप में शामिल किया गया है। पांचवें का मतलब ये है कि भारत से पहले भी चार देशों को इसमें पर्यवेक्षक बनाया गया था, भारत इसमें पांचवा देश बनेगा जिसको कि पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका एक फोटो दिखा देते हैं, ये रहा वो कमीशन, इंडियन ओशियन कमीशन, जिसमें भारत को पांचवा पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा भारत के अलावा कौन कौन से चार पर्यवेक्षक हैं? इसके अलावा माल्टा, चीन, यूरोपीय संघ और OIF, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनी, इनको पर्यवेक्षक बनाया गया था। पांचवा पर्यवेक्षक बना है इसमें भारत। अब ये जो आयोग है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हिंद महासागर आयोग है, इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। कब की गई थी? 1982 में। कहाँ पर? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसकी स्थापना करी गई थी। इसमें पांच अफ्रीकी हिंद महासागर राष्ट्र शामिल हैं। कौन कौन से? मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, रियूनियस यानी कि फ्रांस और सेसेल्स, ये देश इसमें शामिल हैं। ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है, ये आप जब भी आप PCS का एग्ज़ाम देंगे तब उस समय ये चीज़ें पढ़कर जाएंगे, उस समय एग्ज़ाम में आपके पूछी जा सकती हैं। आप अगर SSC और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ये जो हिंद महासागर राष्ट्र हैं उनमें कितने अफ्रीकी देश शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें पांच अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है, मेंबर कंट्रीज हैं। आगे चलते हैं। घरेलू क्रिकेट टीम के किस सबसे सफल खिलाड़ी ने 42 की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसीम जाफर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हाल ही में वसीम जाफर ने घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। यहाँ पर वसीम जाफर का फोटो आपको दिखा देते हैं, ये है वसीम जाफर, 42 साल की एज में इन्होंने घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिन्होंने अपने इस करियर में 72 शतक लगाए हैं, 25,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनको इनको घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। घरेलू क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर के नाम से फेमस वसीम जाफर ने हाल ही में क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? फिर से समझना, भारत के किस शहर में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग शहर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको बता देते हैं,
इन विंटर गेम्स में देश भर के 800 से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चूंकि ये विंटर गेम्स हैं इस वजह से वहाँ पर जो गेम्स होंगे वो होंगे स्नो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्की माउंटेनियरिंग, आइस स्टॉक, स्नो रग्बी, मतलब सारे स्नो से रिलेटेड गेम्स होते हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों बनेगा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपीयरेंस अच्छा हो जाता है। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज जिसका नाम है सारेक्स 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो एक्सरसाइज है इसको गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। किस तरीके का एक्सरसाइज है ये? ये एक सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है जिसका नाम है सारेक्स 2020। इसको गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में और कुछ जानते हैं कि इस बार जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये उसका नवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस बार की इसकी थीम क्या है? थीम इसकी है हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू, जिसका नाम HAM हमसार नाम इसका दिया गया है इसकी थीम का, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। चूंकि इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आयोजित किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट। इसके डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन, ये इसके डायरेक्टर का नाम है। आगे चलते हैं, सभी प्रश्नों का रिविजन कर लेते हैं। जैसा कि हाल ही में किस देश की टीम ने महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? आपको याद आ रहा है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। उसके बाद में है कि हाल ही में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद है कुछ? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो गया था। हाल ही में डेनिस सिमिगल को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? यूक्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वेस्टइंडीज के पोलार्ड जो है वो ऐसे खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किस देश को हिंद महासागर में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है? तो भारत इसका राइट आंसर हो गया था। घरेलू क्रिकेट के किस सबसे सफल खिलाड़ी ने 42 की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? वसीम जाफर इसका राइट आंसर हो गया है। हाल ही में किस शहर ने हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया है? तो गुलमर्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 2020 का आयोजन किया है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो गया है। तो दोस्तों ये रहे सारे क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्विज। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में कौन 7 दिन में 7 महाद्वीप में 7 मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।